जी न्यूज पर आप देख रहे हैं जनादेश 2024 और जयपुर की सीट से बीजेपी ने जीता है चुनाव। तो बीजेपी की जीत का जो आंकड़ा है वो दरवाजा खुलता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर जयपुर की सीट जीती है मंजू शर्मा ने और ये जो तमाम आंकड़े सामने आ रहे हैं 3.31 लाख यानी करीब करीब 3.25 लाख से ज्यादा वोटों से हराया है, दर्ज की है जी। प्रताप खचरियावास को चुनाव हराया है, ये पहली जीत है भारतीय जनता पार्टी की जो दर्ज की गई है जयपुर में। इससे पहले एक सीट पहले ही वो जीत चुके थे। कुल मिलाकर 200 सीटें यहाँ पर बीजेपी जीत चुकी है और 236 पर अभी लीड कर रही है। बिल्कुल राम, लेकिन ये सूरत बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। सूरत का चुनाव भले ही बीजेपी ने जीता हो लेकिन ये सूरत बीजेपी के तमाम दावों के हिसाब से नहीं है। लेकिन जयपुर से फिलहाल प्रताप सिंह खचरियावास को हराया है बीजेपी ने और जयपुर की ये सीट काफी अहम मानी जा रही है। 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी की बढ़त 1100 से कम है, यानी नेक टू नेक फाइट चल रही। 7 सीटें ऐसी जहां पर 1100 से आसपास अंतर है। बिल्कुल राम, और लगातार ये जो आंकड़े बदलते जा रहे हैं ये भी ये बताते हैं कि कितनी नेक टू नेक फाइट चल रही है। देखिए तिरुवनंतपुरम से 429 वोट के साथ में राजीव चंद्रशेखर 429 वोट से आगे, यानी जीत का मार्जिन कितना कम है लगातार। 240 वोट से आगे है। जी न्यूज़।